नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अंजुला। आज एक और नई रेसिपी के साथ आई हूं और आज की रेसिपी है हरे चने का भबरा, जो कि बिहार का स्पेशल इवनिंग स्नैक है और इसे खासकर होली पे बनाया जाता है, लेकिन आप इसे कभी भी बना सकते हैं और ये बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी बनता है। इसे आप जरूर बनाएं, ये आपको बहुत पसंद आएगा। और अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बनाते हैं हरे चने का बहुत ही क्रिस्प और क्रंची भवरा। बिहारी भवरा को बनाने के लिए मैंने लिया है 250 ग्राम हरा चना, जिसे हम छोलिया भी कहते हैं, और यह है 250 ग्राम यानी कि एक कप। यह है चावल, और जितना मैंने चना लिया है उसका जस्ट आधा हमें चावल ले लेना है, यानी कि 125 ग्राम, आधा कप। और इसे मैंने रात भर पानी में भिगो दिया था और इसे धोकर मैंने अच्छे से साफ कर लिया है। और यह है बेसन, जितना हम चावल लेंगे उसका थोड़ा सा कम हम बेसन ले लेंगे। तो ये तीनों चीजें ऐसे लिया है मैंने। और ये है कैबेज यानी कि पत्ता गोभी, और इसे मैंने बारीक काट लिया है। अगर आपको पसंद ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और ये है प्याज, एक मध्यम आकार के प्याज को मैंने बारीक काट लिया है। और ये है थोड़ा सा हरा धनिया। ये है 3 से 4 लहसुन को मैंने क्रश कर लिया है। और यह है हरी मिर्च, करीब 2 हरी मिर्च को मैंने बारीक काटा है। तो अब हम ले लेंगे मसाले, जिसमें मैंने लिया है हल्दी पाउडर आधा छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/4 छोटा चम्मच, धनिया पाउडर आधा छोटा चम्मच, यह है जीरा पाउडर 1/4 छोटा चम्मच, और यह है काली मिर्च करीब 2 चुटकी, और यह है गरम मसाला पाउडर 1/4 छोटा चम्मच से भी कम, और ये है नमक स्वाद के अनुसार। तो ये हैं हमारे मसाले। भवरे को तलने के लिए मैंने सरसों तेल का इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले हम चावल को जार में डालकर हमें इसे पीस लेना है। बिल्कुल इसको बारीक यानी कि पतला पेस्ट जैसा हमें इसे बनाना है, तो इसमें पानी डाल दें और इसका एक बारीक पेस्ट बना लें। तो ये देखिए पेस्ट तैयार है। तो चलते हैं अब अगले प्रोसेस में। तो सबसे पहले एक बड़ा बाउल ले लेंगे इस तरह का। अब इसमें हम सारी चीजों को मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले चावल का पेस्ट डाल दें, उसके बाद हम बेसन डाल देंगे और इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे दोस्तों, बेसन में लम्स नहीं होने चाहिए, ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाने चाहिए। और ये देखिए मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम सारी सब्जियों को इसमें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हरा चना डाल देते हैं, प्याज, कैबेज, पत्ता गोभी, और ये है लहसुन क्रश किया हुआ। इससे भवरे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हरा धनिया, हरी मिर्च। तो इस तरह से सारी सब्जियों को मैंने डाल दिया है। अब इसे एक बार हम इसे मिक्स कर लेते हैं और इसके बाद हम सारे मसाले ऐड करेंगे। तो मसाले में हल्दी पाउडर आधा छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं कम या ज्यादा, जैसा आप खाना पसंद करते हैं, और ये है धनिया पाउडर, जीरा पाउडर। मसाले बिल्कुल कम डालें, ज्यादा ना डालें, इससे भवरे का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा ज्यादा मसाला डालने से। नमक स्वाद के अनुसार, और मैंने सारे मसाले को डाल दिया है। अब इसे अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा हम पानी भी ऐड करेंगे क्योंकि ये इतना गाढ़ा नहीं रहेगा। करीब आधा ग्लास के करीब हम इसमें पानी डालेंगे। थोड़ा सा पानी हम और ऐड करेंगे। और ये देखिए भवरे के लिए मिश्रण तैयार है। तो अब हम चलते हैं भवरे को तलने के प्रोसेस में। तो भवरे को तलने के लिए मैंने फ्राइंग पैन में तेल चढ़ा लिया है, और क्योंकि ये सरसों का तेल है तो इसे बहुत अच्छी तरह से गर्म करें, और जब तेल बहुत अच्छी तरह से गर्म हो जाए तब इसे गैस की फ्लेम को लो पे कर दें और तेल को थोड़ा नॉर्मल होने दें। तो मैंने गैस की फ्लेम को लो पे कर दिया है और ये नॉर्मल हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, एक कलछी की सहायता से इस तरह से मिश्रण को लेके हम बिल्कुल सेंटर पे डालेंगे
और इसे सावधानी से डालें और इसे 2 मिनट तक सेट होने दें। इसे तुरंत ना पलटे दोस्तों, नहीं तो ये फैल जाएगा। 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि ये सेट हो चुका है, तो अब हम इसे पलट सकते हैं। तो इस तरह से चम्मच की सहायता से सावधानी से इसे पलट लें इस तरह से। अगर आपको लगे कि घोल थोड़ा सा पतला हो गया है तो आप इसमें थोड़ा सा बेसन और ऐड कर लें। और ये अगर थोड़ी सी सब्जियां इधर उधर बिखर जाए तो कोई बात नहीं, आप इसे झंझरे की सहायता से आप इसे निकाल लें। और ये देखिए 2 बार पलटकर मैंने इसे गोल्डन ब्राउन कर लिया है। अब ये क्रंची भवरा बिल्कुल तैयार है। तो सबसे पहले इन बिखरी हुई सब्जियों को हम निकाल लेते हैं ताकि हमारा तेल साफ हो जाए और दूसरे भवरे को डालने के लिए तैयार रहे। तो एक बार हम इसे और पलटेंगे क्योंकि हमें इसे थोड़ा सा और क्रिस्प करना है। आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा फ्लेम को कम या ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन गैस के फ्लेम को आप मीडियम और लो के बीच में ही रखें। और ये देखिए भवरा तैयार है। तो इस तरह से हम इसे छान लेंगे और इसका सारा तेल जो है वो वापस पैन में चला जाएगा। तो ये देखिए क्रंची क्रिस्पी भवरा बिल्कुल तलकर तैयार है। तो इसी तरह से हम दूसरा भवरा भी इस पे डाल देंगे बिल्कुल सेंटर पे, और सेम प्रोसेस से इसे सेट होने देंगे। उसके बाद 2 मिनट के बाद हम इसे पलट लेंगे। थोड़ा सा भवरा बनाने में सावधानी रखने की जरूरत होती है दोस्तों, तो इस बात का आप ख्याल रखें। और ये देखिए दूसरा भवरा भी हमारा बनकर तैयार है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो इसी तरह से बाकी भवरे को भी बनाकर हम तैयार कर लेंगे। और ये हमारा आखिरी भवरा। तो अभी मैंने सिर्फ 3-4 भवरा बनाकर तैयार कर लिया है। ये देखिए कितना क्रंची और क्रिस्पी बना है, और ये देखने में भी जितना अच्छा है खाने में ये उतना ही अच्छा है। ये देखिए, तो आप इसे जरूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। और आप इसे अपनी मनपसंद किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये हरे चने का भवरा बहुत पसंद आएगा। इसे मेरे कहने पे आप एक बार जरूर ट्राई करें। और अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप देख पाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।